ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिमला में पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय जाकर ज्ञापन सौंपा और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर की जा रही टिप्पणियों पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की। इस अवसर पर सुक्खू के साथ आला कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। विवादित बयानों से देशभर में सुर्खियों में आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सत्ती पर कार्रवाई को लेकर गत दिवस दिन भर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। कुछ न्यूज वेबसाइटों ने सत्ती पर चुनाव आयोग द्वारा प्रचार पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगाने की खबरें चला दी। इसके बाद कुछ कांग्रेसी नेताओं ने भी खुशी जता दी। उधर दिन भर कार्रवाई को लेकर चल रही अफवाहों पर भाजपा के पदाधिकारी सफाई देते नजर आए। हालांकि शाम को प्रदेश के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने स्पष्ट किया कि अभी तक सत्ती को लेकर चुनाव आयोग से किसी तरह का कोई निर्देश नहीं आया है। सीईओ कार्यालय के स्पष्टीकरण के बाद भी देर रात तक सत्ती पर कार्रवाई को लेकर कयासबाजी चलती रही। सूत्रों के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग ने मौखिक रूप से सत्ती के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। माना जा रहा था कि आयोग ने इस रुख के बाद सत्ती पर कड़ी कार्रवाई होना तय है। उधर कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने गत दिवस मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार से मुलाकात कर सत्ती पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं ने सीईओ से कुसुमपुट्टी स्थित कार्यालय जाकर मांग पत्र सौंपा। सुक्खू ने कहा कि सत्ती ने सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर ही बयानबाजी नहीं की बल्कि राधास्वामी सत्संग के अनुयायियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है जो कि बिल्कुल ही गलत है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बार बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर जिस अभद्र भाषा की उन्होंने टिप्पणियां की है कांग्रेस पार्टी ने उसका कड़ा संज्ञान लिया है। हमने निर्वाचन आयोग से कहा है, लगता है निर्वाचन आयोग किसी दबाव में है, और हमने निर्वाचन आयोग से कहा है कि अगर आपने सतपाल सत्ती पर जो प्रदेशाध्यक्ष है तुरंत प्रभाव से बयान नहीं लगाया तो कल सतपाल सत्ती के घर के बाहर एक बड़ा धरना दिया जाएगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे और उनका घेराव किया जाएगा। और निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश में जहां भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतपाल सत्ती जी जाएंगे इस प्रकार का व्यवहार उनका हर जगह किया जाएगा। चाहे फेसबुक के शब्दों को उन्होंने कोट किया है, मानना यह है कि किस भाषा का और किस शब्द का आपने कोट किया है। क्या आप में दिमाग नहीं है? क्या आप मानसिक संतुलन खो चुके हैं कि फेसबुक में जो शब्द गंदे शब्द आते हैं उनको आप जनता की अदालत में और जनता को जब संबोधित करते हैं तो उसमें आप एड्रेस करते हैं? यही नहीं, उन्होंने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के खिलाफ जिस प्रकार की टिप्पणियां किया वो भी अभद्र है। जो प्रियंका गांधी जी के पहनावे पर उन्होंने टिप्पणी की वो भी अभद्र है। इन सब बातों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने कड़ा संज्ञान लिया है और आज हम चीफ इलेक्शन ऑफिसर श्री देवेश कुमार जी को मिले हैं और हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा जी से कहा है कि तुरंत प्रभाव से उस पर बैन लगाया जाए, नहीं तो कल पूरे हिमाचल प्रदेश में सतपाल सत्ती जहां भी होंगे उनका घेराव किया जाए। नहीं, ऐसे नहीं कभी कहा उन्होंने। और जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया उन्होंने चौकीदार के संदर्भ में कहा है, कभी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में नहीं कहा। वो किस बात को इंगित करता है कि राफेल डील में जो घपला हुआ उस मामले में जो अपने आप को ईमानदार साबित करते हैं उस मामले में कहा कि उसमें ईमानदारी नहीं है, उसमें चोरी हुई है। इस शब्द का